Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to live paper analysis of MHBCA, BBA, BMS, and uh, BMMCT, which was held. Uh, it's held first time. Okay, it's conducted by the first time. So we will see the actual question from uh, today's paper, uh, which was held today. And uh, morning shift basically 9 to 10:30 ka. 9 to 10:30 ka jo slot tha, and uh, we will see the actual questions so hey so start yes yes so those who are watching the live so it's uh, beneficial for them they can understand uh, what was the actual questions and uh, what was the right answer okay so share because other people can get also the benefit of this session and they, they can evaluate evaluate their marks uh, from the GK section and back to back you will see the computer section uska uh, bhi analysis dekhoge and then we will discuss about the reasoning and mathematics and after that English section so complete analysis basically uh, here uh, we will discuss so जो लोग भी इस session को देख रहे हैं उनके लिए तो काफी beneficial है specifically for those जो next year के लिए plan कर रहे हैं या फिर जो tenth में हैं या फिर जिन्होंने tenth exam दिया उनके लिए काफी beneficial होगा so here you can join these two group वेर आई विल शेयर दिस क्वेश्चन सो आपको एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएगा फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एंड वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक like, uh, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक like कर लेना गाइज ओके एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ फॉर दो दो स्टूडेंट जो अभी टेंथ का एग्जाम दिए हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट एलेवेंथ एंड ट्वेल्थ उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बैचेज स्टार्ट किया गया है स्पेसिफिकली फॉर दो दो स्टूडेंट सीइ एग्जाम्स को सेंटर में रख के तो बेसिकली आपका टेंथ एंड ट्वेल्थ एंड सेम टाइम फॉर अदर बीबी एंट्रेंस एज वेल एज सिटी एग्जाम सारे प्रिपरेशन एक साथ हो जाएंगे ओके सो वेर यू विल गेट एवरी थिंग रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन बोर्ड का जो इलेवेंथ ट्वेल्थ है एज वेल एज एलेवेंथ ट्वेल्थ एज वेल एज जो आपका एंट्रेंस एग्जाम्स है उनका सेम टाइम पर आपका सेम बैच में प्रिपरेशंस हो जाएगा तो फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर बोरीवली दादर वसई एन थाने इफ यू आर मुंबई बेस्ट ओके okay, अगर मुंबई बेस हो तो आप आ, इन सेंटर पे इंक्वायर कर सकते हो इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई सो ऑनलाइन के लिए जा सकते हो फॉर एनी डाउट एंड क्वेरी दीज आर द नंबर वे आर एक्सपर्ट फैकल्टी जैसे हम लोग कंटिन्यू एग्जाम्स लिखते हैं अंडरस्टैंड करते हैं उसके डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेबस डिजाइन करते हैं और इस साल भी जो क्वेश्चन आए हैं नाइन्टी नाइन परसेंट क्वेश्चन सारे जो डिस्कस किए हैं तो स्पेसिफिकली इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर द मैनुअर स्टूडेंट जो जिन लोगों ने अटेंड किया होगा उनका तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा आई एम एक्सपेक्टिंग की जो अदर स्टूडेंट है उनके भी काफी अच्छे मार्क्स आएंगे बाई द वे जो भी हमने क्लासरूम में डिस्कस किया था जो एक्चुअल क्वेश्चन वो जिस टाइप के क्वेश्चन जिस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इफ़ एनी वन इज देयर मैनुअल स्टूडेंट सो यू कैन सेंड योर फीडबैक है कैसा रहा पेपर ओके okay? जो लोग भी लाइव सेशन को देख रहे हैं या फिर जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं सो so वो अबाउट द पेपर डिफिकल्टी लेवल मेरे अकॉर्डिंग द पेपर वॉज वॉज लाइक मॉडरेट लेवल था बहुत इजी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एज पर द ट्वेल्थ लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर का जो लेवल था इट वाज मॉडरेट लेवल आई कैन से क्योंकि जो क्वेश्चंस रीजनिंग uh, में पजल्स आए थे और जो जिस लेवल के आरसी के पैसेस थे ग्रामर रूल के काफ़ी भर भर के क्वेश्चन थे तो बहुत इजी नहीं बोल सकता जिन्होंने हाँ ढंग से अच्छे से प्रिपरेशन किया होगा अंडरस्टैंड किया होगा शॉर्टकट ग्रामर रूल्स जी को एंड कंप्यूटर सेक्शन को तो उनके लिए नो डाउट वी कैन से ईजी टू मॉडरेट अदरवाइज इट मे बी डिफिकल्ट फॉर अदर स्टूडेंट ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल क्वेश्चन सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो था हु ओन द Nobel प्राइज इन Economic साइंस इन इंडिया तो एज पर द ऑप्शन जो वहाँ पे ऑप्शन था अमर्थ सेन अमर सेन को जिनको 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स का अगर से लेटेस्ट पूछता तो डेफिनेटली अभिजीत बैनर्जी होता बट वहाँ पे वो ऑप्शन था भी नहीं तो अमरत सेन जो कि ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है तो जिन लोगों ने भी अमर सेन मार्क किया होगा तो डे कैन अंडरस्टैंड कि उनका क्वेश्चन ये राइट right है और फिर जिनका मिस्टेक हुआ रहेगा आप चाहो तो इवेलुएट कर लो आप एक पेपर पेन ले लो आउट ऑफ फिफ्टीन देखो कितना करेक्ट है इसके बाद फिर मैं कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस करूंगा ओके okay? और वीडियो को जितने लोग भी देख रहे हो एटलीस्ट एक बार लाइक कर लो और शेयर कर लो कि अदर पीपल कैन आल्सो ज्वाइन अस और इसका बेनिफिट uh, ले सके से इस सेशन का और स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगा जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ट्वेल्थ पास आउट है उनके लिए ये सेशन काफी एंड काफी बेनिफिशियल है बिकॉज की क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा एक्चुअल क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या एक्चुअल क्वेश्चन था उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी सर वी कैन कंसीडर फॉर द टुमारोज एम एस सी टी लॉ एग्जाम्स नहीं नहीं ये आज का एग्जाम्स है आज का एग्जाम्स है विच इज़ आज के डेट में ना ट्वेंटी को जो हुआ है ट्वेंटी मे जीरो फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड स्लॉट वॉज नाइन टू टेन थर्टी ओके सो आई थिंक सेकेंड डे है ये सेकेंड डे फर्स्ट स्लॉट ओके फर्स्ट स्लॉट का ये पेपर का एनालिसिस है ओके okay? तो फर्स्ट क्वेश्चन को मिलेगा लॉन्च बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉर सिचुएशन चल रही है जो इंडियंस को इवेकुएट करने के लिए जो बेसिकली यहां पर एक ऑपरेशन किया गया था इट्स नेम इज वॉट गंगा तो याद रखना ये करेंट अफेयर आपका क्वेश्चन है ये आपका स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है स्टैटिक जीके आप बोल सकते हो नेक्स्ट है यहाँ पे द बेवरेज क्रॉप आर मेनली कल्टिवेटेड इन इंडिया विच स्टेट देखो ये क्वेश्चन भी मैं इसको ईजी में नहीं रखूंगा काफी मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छे लेवल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेवरेज इट मीन्स जो कॉफी एंड टी है तो बेसिकली ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे केरला हो जाएगा केरला इसका करेक्ट आंसर था ओके नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन तो बेसिकली जो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है मैंने क्लास में सबको गाइड भी किया था कि ट्राई करना कि जिस मंथ में एग्जाम है जैसे मे में, में एग्जाम है तो एक मंथ पहले अप्रैल और एक मंथ बाद जून में जितने इंपॉर्टेंट डे आते हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग द होल ईयर सो आप देख सकते हो यहाँ पे सेवन अप्रैल से जो पूछा गया क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट डे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आता है ठीक है तो ये भी काफी uh, अच्छा एंड बोल सकते हो कि अगर से स्ट्रैटी फॉलो किसी ने किया होगा तो अच्छे से आप इसको भी राइट कर सकते हो उसके बाद पूछा था सेज स्टैंड फॉर देखो सेज में सिर्फ एस का फुल फॉर्म पूछा था कि सेज में जो एस का फुल फॉर्म क्या है तो इट्स फुल फॉर्म इज नॉट स्पेशल स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है बेसिकली तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जहां पे बहुत सारे गवर्नमेंट बेनिफिट देती है टैक्सेशन में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे ये था स्पेशल ओके okay, तो होप सो so कि जो लोग भी सेशन देख रहे हैं और जिन लोगों ने भी एग्जाम्स अपीयर किया है तो उनको अंडरस्टैंड होता रहेगा कि कैसा था पेपर क्या क्वेश्चन राइट हैं और जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए guys, प्लान कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन टाइप ऑफ द क्वेश्चन ओके नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है इसको क्या बोलते हैं तो इट्स आरबीआई आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है क्स्ट यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल ये आपका ज्योग्राफी का काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है सो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द मैन एंड द अर्थ इज करेक्ट तो यहां पे फोर स्टेटमेंट था इस तरह से तो जिसका पहला ऑप्शन ऑप्शन ए है जो वही करेक्ट था द मैन एंड अर्थ पुल ईच अदर विद द सेम फोर्सेस ठीक है तो इसका पहला ऑप्शन अच्छा ही करेक्ट है ज्योग्राफी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है उसके बाद देखो जो ये क्वेश्चन था बेसिकली स्पोर्ट टर्मिनोलॉजी से जो क्वेश्चन बनता है स्पोर्ट सेक्शन से दिस इज आल्सो फ्रॉम द स्टैटिक जीके ओके okay, तो स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी में जो क्वेश्चन होता है डिफरेंट स्पोर्ट्स से कौन सा वर्डिंग रिलेटेड है तो हॉर्स रेसिंग में जो हॉर्स को राइड करता है उसको क्या बोलते हैं जॉकी तो यहां पे यह क्वेश्चन पूछा गया था तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा तो राइट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है हीराकुंड डैम से बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन फॉर्म पूछ पूछा गया है कि हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में है कौन से रिवर पे है महानदी रिवर पे है बेसिकली स्टेट है उसका उड़ीसा स्टेट है तो यहाँ पे जो पूछा गया था कि कौन सा ट्रू नहीं है विच इज़ नॉट करेक्ट तो हीरा इज अ सी पोर्ट तो ये सी पोर्ट नहीं है हीराकुंड एक डैम है हीराकुंड डैम है और किस रिवर पे है महानदी रिवर और उड़ीसा स्टेट में है ठीक है तो इसलिए ये वाला जो आंसर था ये करेक्ट नहीं था तो ये सही हो जाएगा ओके नेक्स्ट है यहाँ पे फूड आइटम पिज़्ज़ा रिलेटेड टू अब देखो फूड आइटम जो है पिज़ा से रिलेट करके पूछा था तो इसको बहुत इजीली आप आंस एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शन तो ऑप्शन में आई थिंक जो ऑप्शन पूछा था इट वाज मुझे जो रिमेंबर है मैंने लिख पाया आ, इंडिया ऑप्शन में था इंडिया ऑप्शन में था और चाइना ऑप्शन में था और ऑप्शन में एक आ, मलेशिया आई थिंक था मलेशिया था और इटली था तो इटालियन पिज्जा इज वेरी फेमस तो उसके बेस पे भी आप एलिमिनेट करके इस ऑप्शन को इजिली मार्क कर सकते थे जिन लोगों ने भी इस बेसिस पे इसको एलिमिनेट किया होगा ओके okay, तो ये भी क्वेश्चन देखो हर एरिया से क्वेश्चन पूछा है जोग्राफी से पूछा है एक करंट अफेयर से भी पूछा है बिजनेस रिलेटेड जीके पूछा है कॉमन सेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा पेपर था मैं बोलूंगा कि काफी ईजी तो नहीं बोल सकते मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है मॉडरेट टू डिफिकल्टी बोल सकते हो क्योंकि जो जिस लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्पेसिफिकली फॉर द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है तो उनके लिए नो no डाउट थोड़ा सा आ, ये चीज़ें नहीं है फर्स्ट टाइम एग्जाम में है तो इसको हम डिफिकल्ट लेवल में कंसिडर कर सकते हैं और जिन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया होगा या फिर जिन लोगों ने मेनूअर्स के कंटेंट फॉलो किए होंगे हमारे गाइडलाइंस को फॉलो किया होगा तो उनके लिए तो ईजी है बाई अदर्स स्टूडेंट के लिए सर प्रॉब्लम हो सकती है सर एम एस सी टी मैराथन फॉर विच विच एग्ज़ाम ओके लुकेमिया रिलेटेड टू तो यहाँ पे ब्लड सेल जो काफी एक्सपेक्टेड है जो साइंस से क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछ लिया आपको बायोलॉजी से एंड आफ्टर दैट वेयर इज ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड तो इट्स इन मुंबई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इससे रिलेट करके है ओके okay, तो सारे एरियो को कवर किया जा रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स एंड जियोग्राफी हाउ मेनी रिंग्स इन ओलंपिक लोगो देखो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया स्पोर्ट्स से और ओलंपिक काफी इम्पोर्टेंट है और इस साल का जो ओलंपिक शेड्यूल भी है कहां पे इट्स इन पेरिस ओके सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइव फाइव रिंग्स होते हैं ना ओलंपिक में इस तरह से देखोगे तो फाइव रिंग्स होते हैं ओके सो दिस इज द लोगो ऑफ ओलंपिक ओके नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थ पोजिशन इन सोलर सिस्टम टुमारो एग्जाम्स टुमारो फॉर टुमारो एग्जाम बेस्ट ऑफ लक कभी उसका तो बहुत सारे सेशन दे दिए आप लोगों को कल कल मिलेंगे हम कल मिलेंगे एनालिसिस में युवराज आफ्टर एग्जाम आफ्टर एग्जाम वी विल सी द एनासिस पार्ट ओके अभी बहुत सारे सेशन तो आप लोगों को दे दिया है, जियोग्राफी का करेंट अफेयर्स का और इकोनॉमिक्स uh, का हिस्ट्री का तो एम एक्सपेक्टिंग कि काफी अच्छा एग्जाम होगा जो लेवल हम कवर कर रहे हैं चाहे लाइव uh, सेशन में यूट्यूब पे या फिर अपने क्लासरूम में सबसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो नो डाउट वॉट एवर द जो लेक्चर हुए जो भी क्वेश्चन ये काफी बेनिफिशियल है बस अच्छे से याद रखना अब उसमें से क्वेश्चन आ गया अगर मार्क नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा तो इतना ट्राई करना कि जितना एक्सप्लेन किया एटलीस्ट उतना रिवाइज कर लो अच्छे से जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया उतना अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो काफी अच्छा एग्जाम जाएगा ठीक है देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थ पोजिशन इन द सोलर सिस्टम तो सबसे पहले जो आता है इट्स मार्क्री उसके बाद वीनस उसके बाद क्या आता है उसके बाद आता है और थर्ड नंबर है इट मीनस जियोग्राफी काफी इंपॉर्टेंट सोलर सिस्टम रिलेटेड क्वेश्चन है, है देखो, दो uh, से पूछ लिया एक तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल डिफेंस सो कहां पे है पुणे में है तो मैं ये ओवरऑल एज पर दिस एनालिसिस बोल सकता हूं कि यहां पे स्टैटिक क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे ज्यादा पूछे गए स्टैटिक जीके हैं करेंट अफेयर से एक ही क्वेश्चन है तो और जो क्वेश्चन पूछे गए सारे एरिया से पूछे गए साइंस वाले क्वेश्चन भी हमने देखा ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखा इकोनॉमिक वाले क्वेश्चन देखा नॉर्मल जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखा तो सारे एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल डिसेंट है मैं बोल सकता हूं कि ट्वेल्थ लेवल के स्टूडेंट के बेसिस पे जो ट्वेल्थ का एक स्टूडेंट होता है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जो लेवल है दैट इज डिसेंट लेवल काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं ओके तो जिन्होंने भी काफी अच्छे से बेटर कंटेंट फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करेंगे एंड आई एम होपिंग कि जिन लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन किया है कि काफी अच्छा स्कोर आए एज वेल एज स्पेसिफिकली आई विल सजेस्ट कि जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान हैं या फिर जो टेंथ uh, जिनका टेंथ एग्जाम हो गया है दे आर प्लानिंग फॉर द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ तो उनके लिए जो अभी से अगर से इस एग्जाम का प्रिपरेशन करो तो काफ़ी अच्छा स्कोर करोगे दिस इज द फर्स्ट टाइम विच वॉज कंडक्टेड बाई द सी टी सेल आगे और भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि कभी भी कोई भी एग्जाम होता है पहले ईयर में ईजी होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है तो ईजी होता है नेक्स्ट ईयर जब भी होगा तो ये एग्जाम नो डाउट इट्स से ज़्यादा इसका डबल डिफिकल्टी लेवल होगा चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे जीके हो चाहे इंग्लिश हो तो नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होगा डेफिनेटली इस ईयर के कंपेयर में ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो आपको और बेटर में प्रिपरेशन करने की नीड है सो माई सजेशन इज वॉट की दोज यू आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर का जिन्होंने एलवेंथ में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो सेम टाइम पे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ मैनुअर काफी अच्छे से एक्सपर्ट फैकल्टी एंड राइट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन के लिए जिससे आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम सेव होता है वेन यू विल ज्वाइन द एनी क्लासेस एंड वेन यू विल प्रिपेयर अंडर द गाइडेंस ऑफ एनी फैकल्टी सो यू कैन सेव यूर टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना रैंडम यहाँ से वहाँ से स्टडी करने में तो वो आपका सबसे ज़्यादा टाइम सेव होता है तो माई सजेशन इज़ वॉट कि दोज हुआ वॉन्ट टू गेट अ गुड मार्क्स वॉन्ट टू कन्वर्ट फॉर द बी बी एंड एम एस सी ई टी सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम जस्ट स्टार्ट विथ योअर कॉलेज एंड इफ यू आर मुंबई बेस्ड सो यू हैव अ वेरी गुड चांस दिज आर आर द सेंटर यू कैन विजिट एंड यू कैन इंक्वायर दिस इज अंबर एंड फॉर ऑफलाइन के लिए फॉर ऑनलाइन के लिए दिस इज द नंबर इफ़ यू आर आउट ऑफ मुंबई या फिर महाराष्ट्र एंड इवन यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विथ अस सो उसके लिए भी फैसिलिटी है सो यू कैन इन्क्वायर आवर काउंसलर विल गाइड यू इन अ बेटर वे एवरीथिंग यू विल गेट प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मॉक टेस्ट बुक्स एंड एवरी थिंग ओके प सो होप सो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट हु अपीयर दिस एग्जाम दिस ईयर एज वेल एज दो हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड फॉर एनी डाउट एंड एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन अ कमेंट डेफिनेटली वी विल हेल्प यू रिलेटेड टू प्रिपरेशन रिलेटेड टू गाइडेंस एज वेल एज उनके लिए जो नेक्स्ट कैपराउंड के लिए तो उनके लिए भी काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है चैनल से कनेक्टेड रहो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो आपको कंटिन्यू अपडेट्स रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस सारे मिलते रहेंगे ओके इफ एनीथिंग एल्स सो आप कमेंट में पूछ सकते हो डेफिनेटली वी विल रिप्लाई सो दैट्स इट फ्रॉम दिस सेशन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस फ्रॉम जीके जीके सेक्शन सो होप सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड ओके सो सी यू नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट पार्ट एंड कंप्यूटर पार्ट बेसिकली सो सी वी नैट दैट पार्ट ओके जय हिंद